कल भूख की शिद्दत से आधी रात को मेरी आँख खुल गई। हाँ, मैं तो मारे भूख के मारा जा रहा था। बाकी सबका यही हाल था। मैंने जिस किसी से भी पूछा उसने यही बताया कि वो भूख की शिद्दत से बेदार हुआ था। भला ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही रात में सबको एक साथ ही भूख लगे? ये पौधा कल तक हरा भरा था, रात ही रात में मुरझा गया है। क्या आपको यकीन है? बागीचे के बारे में क्या कहोगे, क्या मुरझा नहीं गया? इसके अक्सर फूल और पौधे और दरख्त मुरझा गए। सिर्फ एक दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों की जड़ें बोसीदा हो गई हों? सब के सब अचानक एक साथ मुरझा जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर? नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे कल रात जैसी भूख पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरी भी कल आधी रात को आंख खुल गई थी, यानी मारे भूख के। बानो, बानो, क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हो गया? कैसे गिर गई बानो? क्या हुआ बानो? आपको चोट तो नहीं आई? मुझे नजर नहीं आया था। आपको कितना समझाया था बानो कि इतना गिरियाबाजारी मत किया करें। बानो, अब आप इस कमजोर बिनाई के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगे? अगर इन आंखों को युजारशिफ का दीदार नसीब नहीं तो मुझे इन आंखों का क्या करना? درود آمون خدای بزرگ، اس کے معبد کے خادمین اور جناب آنکھ ماہوب پر۔ تم پر بھی درود ہو۔ بولو کیا خبر ہے؟ علل اعلان تو نہیں کہا گیا ہے، البتہ سب جان چکے ہیں کہ قحط کا آغاز ہو گیا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ شدید بھوک محسوس ہونے اور درختوں اور پودوں کے خشک ہو جانے کو قحط کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि युजार सीफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदुम जखीरा करके रखें। अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही। युजारशिफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर युजारशिफ ने 7 साल गंदम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर मोहब्बत की जरूरत के मुताबिक गंदम जखीरा कर लेते, बल्कि युजारशिफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। युजारशिफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदुम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियाँ, बसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदुम की निगेदारी का राज, युजार सीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल ना होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम ना रह पाता। जनाब अखमहू, आप युजार सीफ और उसके खुदा की कुदरत की ताइब कर रहे हैं? नहीं, ताइब नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पैर दर पै कामयाबियों की असल वजह क्या है।
भी दुश्मन को कम नहीं समझता और ना ही हकीकतों से नजरें चुराता हूँ। वो देखो, चलो चलकर बानो से इनाम लेते। ठहरो, बड़े आए इनाम लेने वाले, पहले मालूम तो कर लें कि युजार से जा कहाँ रहा है। ठीक है, गोदाम चले। रुक जाए, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है, लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं आप? लोग मावत के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। अब तो हमें बानों से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी बेटी भी है निंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाबे युजार सीफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो, भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है? और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने युजार सीफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बिनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरतें गिरिया के भाई से बानो, खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताजी उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती है। जरा आगे आओ। कहो क्या बात है, मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी, और वो ये कि युजार सीफ। अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनूदी है, इनाम नहीं। युजार सीफ की कोई खबर लाए हो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ, जिस तरह हम बानो जुलेखा को खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं, तुम यहीं रुको। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। आली जनाब युजार सीफ अभी अभी गंदुम के गोदामों की जानिब गए।
बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि युजासी टिप्स के गोदामों की तरफ गया, मैं वही जा रही हूँ। उनके साथ जाओ, पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है, उन्हें तना मत छोड़ना। درود بر یوزار شیف، خدا بند آپ کو اپنی حفاظت میں کھڑے ہوں۔ اگلا شخص درود بر عزیز مرس، درود بر عزیز مرس، عزیز مرس زندہ باد، عزیز مرس زندہ باد۔ خدا بند بر یوزار شیف، سپاس گزار ہوں، اپنا کام جاری رکھیے۔ 60 پیمانے۔ اگلا شخص، کس گودام سے استفادے کا پہلے آغاز کیا ہے؟ پہلے سال کے گودام سے، جو 7 سال پہلے ذخیرہ کیا گیا تھا۔ آفرین، پہلے سال کے گودام اگر زیادہ دیر بند رہیں تو خراب ہو جائیں گے۔ یہ بتائیے، کیا کاشتکاروں کو بھی گندم دے رہے ہیں؟ نہیں عالی جناب، کاشتکاروں کے پاس 1 سال کی گندم پہلے سے ذخیرہ ہے، صرف صنعتکاروں اور شہریوں کو گندم دی جا رہی ہے۔ 50 پیمانے۔ سپاس گزار ہوں، یزار سیف حکیم پائند آباد۔ نام اور دیگر کوائف؟ ڈی جی ہوتی، والد کا نام نمرود، سکنہ شہر تیبس، 4 بچے اور 1 ہمسر۔ ڈی جی ہوتی، تعلق متوسط طبقہ۔ تمہارا اس ماہ کا حصہ 60 پیمانے گندم ہے، 1 سکے والا۔ تمہیں قیمت خرید پر گندم فروخت کی جائے، 60 سکے ادا کر دو۔ جناب یزار شیف، یہ ہر مہینے گندم دینے کے بجائے بہتر نہ ہوگا کہ ہم سال بھر کی گندم ایک ساتھ دے دیں؟ سال بھر کا اناج بہت زیادہ ہو جائے گا اور چوروں اور منافع خوروں کی توجہ کا باعث بن جائے گا۔ بانو، بانو، آپ یزار شیف کو دیکھ تو سکتی نہیں، پھر اتنی اجلت اور اسرار کیوں ہے؟ میرے نئی خیال کے وضاحت کرنے پر بھی تم سمجھ پاؤ۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یزار شیف سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، لیکن بانو، یزار شیف کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور خوبصورت چہرہ چاہیے، جبکہ آپ تو رات دن کی گریہ زاری سے اپنی بینائی اور خوبصورتی دونوں کھو چکی ہیں۔ تو کیا جو نابینا ہو جاتا ہے وہ اپنی گمشدہ چیز کو تلاش نہیں کرتا، یا جو بھی بوڑھا اور بدسورت ہو جاتا ہے اسے اپنی جان عزیز نہیں ہوتی؟ مجھے بھی میرا گمشدہ نہایت عزیز ہے، اور میری بینائی کی کمزوری بھی میری چاہت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ حرکت کرو۔
क्या वो जनाब जुजार सिंह, किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बुरी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से न देख सकी। आखिर आप युजार सिंह को क्यों देखना चाहती हैं? यूसुफ को बहुत चाहता हूं। इस भी मेरे बच्चे कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था। बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो। जी बेहतर। یعقوب نبی، پیمبر خدا۔ ملیخہ تم ہو، درود خدا ہو تم پر بھی۔ کیا ہوا، پیمبر خدا نے مجھے پہچانا نہیں؟ نہیں ملیخہ، ذرا میری بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ میں بہت سمجھاتا ہوں، اتنا گریہ مت کیا کریں، لیکن بابا نہیں مانتے۔ ہاں تو ملیخہ کیا خبر ہے؟ خبریں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ خبر نہیں جس کے آپ منتظر ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اب کہاں جا رہے ہو؟ کس چیز کی تجارت کرتے ہو؟ وہی ہمیشہ کی طرح، ہند سے خوشبوجات اور ادویات وغیرہ خرید کر حجاز و کنان کے رستے مصر جاتا ہوں اور وہاں کے تاجروں کو فروخت کر دیتا ہوں۔ کیا میرے گمشدہ کو بھی تلاش کیا تم نے؟ میں نے ہر جگہ سبھی تاجروں اور صنعتکاروں سے یوسف کے بارے میں معلوم کیا تھا، لیکن اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے بردہ فروشوں سے بھی معلوم کیا تھا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ایک دن تم مصر کے ایک جوان قیدی کا پیغام لائے تھے۔ معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا یوسف مصر میں ہے۔ اور مصر کے کیا حالات ہیں؟ وہاں قحط پڑا ہوا ہے۔ البتہ عزیز مصر نے، جو ایک حکیم و دانا شخص ہے، قبل از وقت گندم کی محفوظ ذخیرہ سازی سے اب تک بڑی دانائی سے قحط پر قابو پایا ہوا ہے۔ لوگ اسے یوزار سیف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ عوام میں کافی مقبول ہے۔ یوزار سیف، یہ نام یوسف سے کتنی مماثلت رکھتا ہے۔ ہمارا یوسف کہاں اور عزیز مصر کہاں۔ مجھ بوڑھے ناتواں کے اس تقاضے کو کبھی مت بھولنا۔ میں بھی بارگاہ خداوندی میں تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ حتماً یا نبی خدا، میں جہاں کہیں کا بھی سفر کروں گا، آپ کے یوسف کا ضرور معلوم کروں گا۔ خداوند تمہیں اور تمہارے کارواں والوں کو سلامتی اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ جاؤ ملیخہ، میں منتظر رہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یعقوب نبی جلد از جلد اپنے گمشدہ کو پالیں۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔
किनान में भी कैद पड़ने का कभी इम्कान है बेटा। हर चंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बात पड़े, चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदुम जखीरा कर लो ताकि गजाई किल्लत का शिकार ना हो। नील आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। तो क्या कभी नीले मुकद्दस भी खुश्क हो सकता है? बानो, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कस्र में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है, क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? नहीं बानो, उनके आदाद और शुमार के मुताबिक कोई साकनीन कस्र जरूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ, देखी शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठहरो, भूया को भी अपने साथ ले जाओ, मैं और बागबान बानो के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूं खाली छोड़ना ठीक नहीं, चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि युजार शरीफ गरीब मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई, उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुशुसलूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवां तबके में बल्कि हकूमती हल्के में भी उसने अपने इक्तदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बायस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इकदाम के बगैर अपने तमाम मुखालफीन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखना तून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबत तक ही महदूद कर दिया है, और ये भी देखा कि बानू जी को किस तरह नजरबंद करके गोचर नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबत से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। युजा सिर्फ निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में नहायत ही कामयाब रहा है, और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदुम के अदम दस्तियाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदुम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिना ने माँ बजे आमून सबके सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदुम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदुम खरीदने पर मजबूर हैं। ऐ खुदाए आमून, युजार सीब के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा। ग
गंदुम का एक पैमाना एक सिक्के का। नफरमून नफरमून 30 पैमाने गंदुम। अगला शख्स, गंदुम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के? आम लोगों के लिए सिर्फ एक सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त, लेकिन बराए माँ बाप 30 सिक्के, ये सब क्या है? तो कहत और गजाए किल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? जरूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम मोहब्बत को दीगर अग्नियों से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत ली जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमूल गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि मोहब्बत के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख करे। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो कुछ भी है वो यूजार सीफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना के आमून की। आमून तो खुद अपने कहनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी मोहब्बत के 3,000 खादमों के लिए हमें 9,000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबूनी। मोहब्बत ये कीमत तो हरगिज अदा नहीं करेगा और ना ही कभी राशि के आगे घुटने टेकेगा। चलो चले, चलो चलो। अगला शख्स, आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई, जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुईया हूँ, फर्जंदे हुरदेदा। मैं त्यामिनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसने नहीं। आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के जेह किफालत। जी ऐसा ही है, हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं, आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब भी जरूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफा हमें गंदुम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर नहीं। ये जनाब युजार सीफ की हिदायत है, अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आजाद क्यों नहीं कर देते? आजाद करदा गुलामों की किफालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की जेर किफालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदुम लेने यहाँ आए, या तो आप लोगों को आजाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदुम हासिल कर सकें। अगर हम आजाद हो जाएं तो हमें गंदुम मिल जाएगी? बशर्त यह कि आपके पास आजादी की सनद हो, तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदुम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदुम मुफ्त दी जा रही है, अगली बार या तो हर बात के साथ आए या आजादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब यूजार सीफ को अपनी हिफाजत में रखे। हर फर्द को 10 पैमाने गंदुम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आए। अब लोगों का आमून पर
वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। गुजार सीफ ने हुक्म दिया है कि शरबतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदुम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? बाबत के हजारों खादबीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक्तदार युजार सीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। युजार सीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का हथियार कारगर साबित न हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबत को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करें। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के जेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आजाद हो जाए तो फिर? तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी जरूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार जरूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। ये पुतीफार की मोहर है, कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आजाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बानो। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूरी ने हमसे कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम के दिन में अपनी उम्र मजीद जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये लें, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकता है। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे बानो? कहत और भूख का खतरा तो आपको भी लाग है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कसर में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद है जिन्हें फरोख्त करके गंदुम मुहैया की जा सकती है। ये लो, क्या हुकूमत की जखायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदाओं का वास्ता, हमें यूं मत निकालिए बानो।
जाओ कसरे जुलेखा के रंज व गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं, हम अपने अरबाब को कैसे तना छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद आओगे, जाओ जाओ चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो, अब हम कहाँ जाएंगे? सुनना नहीं, मैंने क्या कहा? चले जाओ, हमारी बात सुनो। बानो जरा सुने तो, अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। बानो दरवाजा खोलिए। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं, चले जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, वो अब हमें कबूल नहीं करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। के चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही। आखिर ऐसी भी क्या उफ्तादा पड़ी जो आखमहू मुलाकात के मुतकाजी हैं? कहीं गंदम की किल्लत ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर तो नहीं कर दिया? यकीनन इन 2 सालों में उनके गंदम के जखायर खत्म हो चुके होंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि जनाब युजारसीफ भी यहाँ मौजूद हों, वगरना उस खबीस आखमहू से हम अकेले नहीं निमट सकते। जनाब युजारसीफ को बुलाओ। Thank you.
चाहिए, मुझे डर लगता है। तुम ही बताओ मैं किधर जाऊं, कहां पता लूं, ये रश्मि चवापति नहीं है, ये रश्मि आशिकी नहीं है, ये बेबसी, ये तनाई कब तक, तुम्हारी तरफ से ये बेरुखी, कितना रोऊं, कितना गिड़गिड़ाऊं, अब तो मेरी आंखों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, कब तक इंतजार की असियत सहूं, तुम्हारा कसूर भी नहीं, भला तुम्हें मेरी हालत इंसान की क्या खबर, अगर खबर होती और फिर बेरुखी दिखा दे तो कसूरवार होते, लेकिन तुम्हें क्या मालूम, तुम तो यही समझ रहे होगे सर्वतमंद खुर्रम जिंदगी पसंद कर रही होगी, वैसे तुम उसे याद क्यों करने लगे जिसने परसों तुम्हें जिंदान में डाला और असियत में पहुंचा, मुझे तो इसी बात पे कि तुमने मुझे सजा नहीं दी तुम्हारी शुक्र गुजार होना चाहिए, बावजूद उन तमाम तोहमतों साजिशों और खयालात के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ किए, ये कैसी बेजा तवक्को है ना, मैं तुमसे जमा मुड़ती मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्दो गर्म से अमान में रहो, लेकिन जुलेखा हरगिज ना उम्मीद नहीं होगी, अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी, यूसुफ, यूसुफ, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं, एक पल को आंख लग गई थी, मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफ़ा को ख्वाब में देखा, क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती, क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसा मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूं पता नहीं चलता कि उसे कब और कहां देखा है, मालूम नहीं उसका चेहरा वाजे क्यों नहीं दिखाई देता, तमाम जरूरतमंद और खस्ता हाल खवातीन के नाम महकमा आदात शुमार के हवाले कर दें, शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए,
اگر مصلحت خداوندی ہوتی کہ اسے پہچانوں تو یقیناً اس کا چہرہ واضح نظر آ جاتا. یوں ناشنا رہنا یقیناً حکمت سے خالی نہیں. غالباً آخماہو اور کاہنان شکوہ و شکایات کی غرض سے آخناتون کے پاس جانا چاہتے ہیں، جبکہ جناب فرما روا تنہا ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، سو میری موجودگی وہاں ضروری ہے. کیا آپ کی موجودگی واقعی بہت ضروری ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے بت پرستی سے جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. یقیناً معبد کے گندم کے ذخائر اب تک ختم ہو گئے ہوں گے. تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں چلی جاؤ یہاں سے؟ ہم اپنی بہنوں کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ شاید ہویا سفر اور باغبان کو آپ سے اتنی دلی وابستگی نہ ہو، لیکن میں اور تاما آپ کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. ایک بار کہہ دیا نا کہ چلی جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. مجھے تم لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں. جاؤ، تم لوگ آزاد ہو.